तरफ राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन सरकारी विभागों के कर्मचारी अधिकारी शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लाख कोशिश के बाद भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ में आज एंटी करप्शन ब्यूरो की गोरखपुर इकाई की टीम ने सीएमओ ऑफिस में तैनात एक बाबू को 5,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी बाबू आर के सिंह को टीम के सदस्य आजमगढ़ शहर कोतवाली ले गए, जहां पर लिखा पढ़ी की गई। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के तरबा क्षेत्र के निवासी मनोज कुमार श्रीवास्तव अपने क्षेत्र में नर्सिंग होम चलाते हैं और रिन्यूअल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के चक्कर में स्वास्थ्य विभाग में दौड़ भाग कर रहे थे। वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन पंजीकृत प्रमाण पत्र देने के नाम पर संबंधित पटल के बाबू की तरफ से लगातार उन्हें परमिशन के लिए कैश की डिमांड की जा रही थी। वही पीड़ित मनोज श्रीवास्तव ने सामाजिक संगठन के प्रयास से संपर्क किया, गोरखपुर विजिलेंस ऑफिस पर अपनी पीड़ा को रखा। उसके बाद टीम ने जाल बिछाकर औपचारिक कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी के दो गवाहों को लेकर आज दिन में बाबू सीएमओ ऑफिस कार्यालय पहुंचे और रंगे हाथों बाबू को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन गोरखपुर। सर, राज्य सीएमओ ऑफिस के एक बाबू पर पैसे लेने का आरोप है, क्या प्रकरण है पूरा? डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लिखित सूचना दिया था कि किशोरी लाल मेमोरियल हॉस्पिटल का लाइसेंस का रिन्यूअल है, उसमें रिलेटिव जो है वो 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, प्रमाण पत्र दे नहीं आया। उसी में जांच के क्रम में आप 5,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ। ठीक, तो अभी क्या है? इनको रिमांड पे लिया गया? कार्रवाई यहाँ लिखा पड़ी कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। कीमत कितनी बताएं? 20,000 रुपये। 5,000। ठीक सर।